दोनों हाथ अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा की अवस्था में, सिर सीधा, आंखें धीरे से बंद। आंखों को बंद करके अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। मानसिक रूप से पूरे शरीर को सिर से पैर तक देखिए। पूरे शरीर की सजगता, पूरे शरीर का ख्याल। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, कड़ापन नहीं। पूर्ण विश्राम की अवस्था में शरीर बैठा है। अब अपने ध्यान को बंद आंखों के सामने काले पर्दे के बीच में लेते आइए। काले पर्दे के बीच में एक जलते ज्योति के स्वरूप को देखिए। जलते ज्योति के प्रतीक पर अपने ध्यान को रखते हुए गहरे श्वास अंदर लें और श्वास छोड़ते समय सब मिलकर 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर ओ, बाद में दोहराइएगा। ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। कुछ समय के लिए शांतिपूर्वक बैठे रहें और अपने मन में स्वास्थ्य, आरोग्य, शक्ति और स्फूर्ति के संकल्प को 3 बार दोहराइए और उसके बाद हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे 11 बार, पहले हम फिर सब एक साथ। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 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 उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। अब मन में दूसरा संकल्प 3 बार दोहराइए। बुद्धि, विवेक, रचनात्मकता की प्राप्ति हेतु 3 बार संकल्प को मन में दोहरा करके हम लोग 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। पहले हम, फिर सब एक साथ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम। अब तीसरा संकल्प, जीवन में दुख दुर्दशा और दुर्गति से मुक्ति के लिए 3 बार अपने मन में संकल्प को दोहराइए, और उसके बाद फिर हम लोग दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ 3 बार करेंगे। ओम दुर्गा, ओम दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। ओम दुर्गा, ओम दुर्गा, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गार्तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गमविद्या, दुर्गमविद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरसंहन्त्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा,
दुर्गधारिणी ओम दुर्गा ओम दुर्गा दुर्गार्थशमनी दुर्गा पद्मी निवारिणी दुर्गा पद्मी निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम शांति 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 ओम शांति 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत। धीरे से हाथों को रगड़िए और उसके बाद बंद आँखों पर अपने हथेलियों को रखिए और फिर धीरे से आँखें खोल लीजिए। हरिओम तत्सत। हम लोग अभी जो तीन मंत्र किए हैं इनका अभ्यास प्रातःकाल उठते ही होना चाहिए। हमारे भारत में लोगों की मान्यता है कि बासी मुंह मंत्र जप नहीं करना चाहिए, वो धार्मिक मान्यता है। लेकिन व्यक्ति प्रातःकाल जब उठ करके इन तीन संकल्पों को अपने मन में दोहरा करके इन तीन मंत्रों का पाठ करता है तो ये संकल्प उसके मन में प्रवेश करते हैं, मन में बीजारोपण होता है इन संकल्पों का। क्योंकि प्रातःकाल जब आप उठते हो तब उस समय आप अर्ध चेतन अवस्था में रहते हो, ना सोए रहते हो ना जगे रहते हो। और वो जो अर्ध चेतन अवस्था है वो अवचेतन अवस्था है अपने मन की। और उस अवचेतन अवस्था में जो भी संकल्प हम अपने मन में डालते हैं वो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। ये हम लोगों के अवचेतन मन का प्रभाव है। तो प्रातःकाल उठते ही बासी मुंह बिस्तर में बैठ जाएं, शौच जाने की भी आवश्यकता नहीं, बिस्तर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं, आंखें खुली बिस्तर में ही बैठ गए 5 मिनट उस अर्धनिद्रा की अवस्था में। और अर्धनिद्रा की अवस्था में स्वास्थ्य का संकल्प लेकर के 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, रचनात्मकता का संकल्प लेकर के 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ और उसके बाद फिर दुख से निवृत्ति का संकल्प लेकर के दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ प्रातःकाल कर लेना चाहिए। और उसके बाद फिर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए। मतलब दैनिक क्रिया के पहले इन 3 मंत्रों का जप होना है।
और यह मत सोचना कि मैं अशुद्ध हूँ, क्योंकि मुंह धोने से, ब्रश करने से, नहाने से आदमी शुद्ध नहीं होता है जब तक उसका मन और दिल साफ नहीं हो। इसलिए प्रातःकाल मंत्र करते समय अपने मन को और दिल को साफ रखने का प्रयास करना, शांत रखने का प्रयास करना, और उसके बाद इन तीन मंत्रों का जप करना, और उसके बाद फिर अपने दैनिक क्रियाओं के लिए तैयार होना। और जब दैनिक क्रियाएं हो जाती हैं, स्नान वगैरह हो जाता है, तब फिर आसनों का अभ्यास। और हम लोग जिन आसनों का अभ्यास कर रहे हैं वो स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, उपचार के लिए नहीं, स्वास्थ्य वर्धन के लिए और रोग निरोधन के लिए। स्वास्थ्य को बढ़ाना और रोगों को रोकना, तो ये हम लोगों का पहला कार्यक्रम है जिसका आज पूर्ण अभ्यास हम लोग करेंगे। तो हमने बतलाया कि दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद फिर आसनों का अभ्यास होना चाहिए, और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटि चक्रासन, सूर्य नमस्कार और एक विपरीत होने का अभ्यास। और आपको एक और अभ्यास बतलाया गया होगा, संतुलन को प्राप्त करने का अभ्यास। तो ये छह अभ्यास हम लोग आज करेंगे। खड़े हो जाइए।